गुड मॉर्निंग माई लवली चिल्ड्रन, हाउ आर यू? नाउ एवरी वन ओपन योर स्टेयरवे वर्कबुक. नाउ एवरी वन कम टू चैप्टर टू, करंस न्यू नेवर. यस्टरडे वी हैड डन पेज नंबर 9 and 10. टूडे वी विल डू 11 and 12. ओके, कम टू पेज नंबर 11. नाउ सी ऑन पेज नंबर 11, व्हाट इज टाइम टू लर्न न्यू वर्ड्स. सर्कल द करेक्ट वर्ड्स. यू नो व्हाट इज दिस? इज चेंज इनटू, चेंज वन इनटू मेनी. वी हैव डन ना. नाउ सी इन क्वेश्चन 1, these are my two dogs. In many, what we will write? In which we will do the circle? In dogs, D-O-G-S or D-O-G-E-S? In D-O-G-S, isn't it? So we will do on D-O-G-S. Make a small circle. Now question number 2, they like to sit near the. In which one we will do? We will do where B-U-S-H-E-S is written. That means in one, bushes, isn't it? Last word is what? Last two letter is S-H. So we will do the circle on bushes, E-S. Okay, bushes. They have milk in big bowls. B-O-W-L-E-S or B-O-W-L-S? L-S, because it is simple, na? No S-H is here, no C-H is here, no S is there. Okay? Now 4, there are two tables. Or tables spelling is another is what? T-A-B-L-E-S-S. Which one is correct? L E S is correct word na. So, so we will write T A B L E S, tables. Okay. Now in 5, the dishes. You see S H is here. So which one is correct spelling? The dishes are on the table. So you see in this last word is last letters are what? S H. So you know now we are changing S H into E-S. So the dishes, D-I-S-H-E-S is the correct word. Now see, there is juice in the glasses or glass. There is juice in the glass. Okay, one is there now. So glass. Now come down. Time to study language. Fill in the blanks with the correct words from the box. You see, in the box there are it, it, shec, he, they, they. You got na? Now come children, down. Number 1, I am baby. I am 2 years old. Okay. Priya is my sister. Dash is 6 years old. You see, Priya is what? Priya is a girl. So what we will use here? We will use here C. S-H-E-C. What you will use here? S-H-E-C. C is 6 years old. Ravi is my brother. Brother is what? Brother is male, na? So what you will write here? We will write here H-E-He. H-E-He. Tara and Ravi go to school. Dash go to school by bus. You see, Tara and Ravi. There are 2 children. That means it is many. So what we will use? We will use the plural one. So they is a plural word, isn't it? He and she were one
फॉर वन ना सिंगुलर वर्ड हाँ सो दे टी एच ई वाई दे वी विल यूज हेयर दे टी एच ई वाई दे नाउ आई गो टू स्कूल बाय बस डैश इज ब्लू इन कलर सो हेयर बॉय इज गोइंग टू द स्कूल वॉट इज द कलर ऑफ द बस इट इज ब्लू सो वेन वी आर यूजिंग नॉन लिविंग थिंग ओके वेन वी आर यूजिंग नॉन लिविंग थिंग वी विल यूज हेयर ईट ओके आई टी ईट यू राइट हेयर आई टी ईट इट इज ओके नाउ चिल्ड्रेन कम टू पेज नंबर 12 नाउ सी चिल्ड्रेन टाइम टू लिसन एंड स्पीक वर्क विथ योर पार्टनर राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू गेम्स यू लाइक टू प्ले टेक टर्न्स टू टेल योर क्लास अबाउट इट इट इज वी विल डू इन द क्लास बट आई एम जस्ट सेइंग यू वॉट टू डू यू हैव टू राइट द टू गेम्स नेम दोज हु यू लाइक मोस्ट क्या करना है यहाँ दो गेम का नाम लिखना है जिसे कि आप पसंद करते हैं और उसके बारे में आपको अपने क्लास में बताना है ओके नाउ कम डाउन टाइम टू राइट इमेजिन यू आर हैरी इनवाइट तारा एंड जेनिट फॉर अ पिकनिक व्हाट टू डू हियर नाउ चिल्ड्रन सी व्हाट टू डू इमेजिन यू आर हैरी मान लो कि आप हैरी हो और तारा और जेनिट को आपको पिकनिक के लिए बुलाना है तो यू स्टार्ट राइटिंग डियर दोनों दोस्त का क्या नाम है तारा है टी ए आर ए तारा एंड जेनिट जे ए एन ई टी जेनिट ठीक है प्लीज कम टू आप कहीं पे उसको बुला रहे हैं मान लीजिए कि लोहिया पार्ट लिखते हैं ओके आई एम राइटिंग हियर लोहिया पार्ट एल ओ एच आई वाई ए लोहिया पी ए आर के पार्क फॉर अ पिकनिक ऑन हम लोग एक पिकनिक के लिए आएंगे कहाँ आना है देखिए इसमें कब आएंगे हम लोग यहाँ हम लोग छुट्टी के दिनों का प्रोग्राम रखते हैं तो संडे को राइट हियर संडे एस यू एन डी ए वाई संडे ओके एट विच टाइम यू वॉन्ट टू कॉल योर फ्रेंड एट 4 PM और 3 PM 3 PM वी आर राइटिंग हियर हाँ 3 PM एट 3 PM ओके वी शैल प्ले डैश एंड डैश हम लोग वहाँ क्या क्या खेल सकते हैं वी कैन प्ले हियर हाइड एंड सीक एच आई डी ई हाइड एंड सिक एच डबल ई के सिक ओके एंड मैरी गो राउंड और स्विंग वी कैन राइट हेयर और स्लाइडर वी कैन राइट हेयर एनी गेम यू वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट हेयर ओके सो आई एम राइटिंग हेयर स्विंग एस डब्ल्यू आई एन जी स्विंग ओके वी शैल हैव डैश एंड डैश फॉर टी तो हम लोग ज़्यादातर चाय के साथ क्या यूज़ करते हैं सैंडविच को यूज़ करते हैं एस ए एन डी डब्ल्यू आई टी सी एच ई एस सैंडविचेस एंड बिस्किट्स बी आई एस सी यू आई टी एस बिस्किट्स फॉर टी योर पेरेंट्स कैन टेक यू बैक होम एट आपके पेरेंट्स आपको वापस कब ले जा सकते हैं एट 6 o'clock एट 6 PM राइट हेयर 6 PM ठीक है हम लोग 3 घंटे तक क्या करेंगे 3 घंटे तक हम लोग पिकनिक मनाएंगे और फिर हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ घर वापस आ जाएंगे वी विल हैव अ गुड टाइम ओके पिकनिक मनाने अगर हम लोग जाएंगे तो मज़ा तो आएगा ही ना हम लोगों को ठीक है नाउ लास्ट इज वॉट योर लविंग फ्रेंड हैरी कौन बना है आप हैरी बने हो ना तो लास्ट में हमें क्या लिखना है हैरी लिखना है ओके
Thank you, children. Have a nice day.